फर्स्टली टॉकिंग अबाउट व्हाई यू शुड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, क्यों बनना है खुद का बेटर वर्जन. तो हम पता है सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? खुद के साथ, हमारे थॉट्स के साथ. एंड हमारी जो आउटर लाइफ है ना, दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर सेल्फ. एंड आई हाईली बिलीव दैट पीपल सी यू इन अ वे हाउ यू सी योर सेल्फ. तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो ना, अगर आप सोचते हो कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो लोग भी आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली इसलिए करना चाहिए ताकि कि आप अपने बारे में अच्छा सोच सको, ना कि इसलिए क्योंकि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है या सोसाइटी ने कहा है या आपके दोस्त खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसलिए. नहीं, I consider 2018 as my transformation year, क्योंकि उससे पहले तक मैं कभी अपने बारे में अच्छा और बड़ा सोच ही नहीं पाती थी. मुझे लगता था कि मैं पूरी जिंदगी एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ ही जीना डिजर्व करती हूँ. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उससे ज्यादा अचीव करने की भी केपेबल हूँ. बट टूडे आई कैन थिंक बिग फॉर माई सेल्फ एंड मैंने कई सारी चीजें अचीव भी की हैं खुद के लिए. सो आई टेल यू हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड हाउ डिड आई चेंज माई ट्रेडिशनल माइंड सेट टू अ ग्रोथ माइंड सेट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज टू शेड माई ओल्ड बिलीव्स. हमारी अपब्रिंगिंग एंड सराउंडिंग के हिसाब से ना, हमें अलग अलग तरीकों से कंडीशन किया जाता है. जैसे मेरे केस में आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी. वो फैमिलीज नहीं होती जो 30-30 मिनट दूर वॉक करने के लिए तैयार हो जाएंगी, 10-10 रुपए बचाने के लिए सब्जी खरीदेंगे, 10 रुपए बचाएंगे एंड देन बोलेंगे कि चलो इस बहाने हमारा वॉक तो हो गया कम से कम. आई बिलोंग टू दैट टाइप ऑफ फैमिली. तो मेरी कंडीशनिंग भी ना पैसों को लेके इसी तरीके से हो गई थी कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पैसों को ना बचा के रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है, भले ही तुम्हें उसके लिए रोज 30 मिनट दूर वॉक करके क्यों ना जाना पड़े. इसी वजह से जॉब पे भी जो मुझे सैलरी मिलती थी उसे मैंने रेयरली कभी अपने ऊपर स्पेंड किया होगा. हमेशा मैं उसे बचा बचा के ही रखती थी, वो भी सेविंग्स अकाउंट में, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो भी कुछ खास बढ़ी थी. सो पहले तो मुझे स्केर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलना था एंड आई हैड अ रियली हार्ड टाइम रीवायरिंग माई ब्रेन टू अंडरस्टैंड दैट मनी is a form of energy and it is available in abundance for everyone to use. So instead of being jealous of someone else's income, I started diverting my mind to think ke agar wo log paise kama sakte hain to main bhi kama sakti hu. Instead of thinking ke jitne paise mil rahe hain use bacha bacha ke rakho, I started thinking ke aur paise kaise kamaye ja sakte hain. Apne old beliefs ko shed karna na bahut zyada important hai. Wo kehte hain na ki kahin pe pahunchne ke liye kahin se nikalna bahut zyada zaruri hai. तो अगर आप अपने ओल्ड बिलीव्स को ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाओगे. सो कीप एन ओपन माइंड. बस ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में अपने कोर बिलीव से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. हमें सिर्फ खुद के बारे में बड़ा सोचना है, बस ये सोचना है कि हम एक बेटर ह्यूमन कैसे बन सकते हैं. एक बार वो माइंड सेट आ गया ना, उसके बाद आर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेट गोल्स फॉर आर सेल्फ. सो 2018 में मैंने खुद के लिए दो गोल सेट किए थे. द फर्स्ट वन वॉज टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन एंड द सेकेंड वन वॉज टू अर्न अ 5 crore चेक इन द नेक्स्ट 5 years. आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं एंड 5 crore तो छोड़ो, मेरे पास 1 crore भी नहीं है आज. मे बी अगले 5 साल में आ जाए, बट द पॉइंट हियर इज कि मैंने उस टाइम पे जोश जोश में खुद के लिए बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लिए थे क्योंकि मुझे गोल सेटिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था. सो व्हाट आई बिलीव इज खुद के बारे में डेफिनेटली बड़ा सोचना चाहिए, बट रियलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एंड गोल सेटिंग एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, बट बिना पेन और पेपर के तो नहीं होने वाला. तो एक दिन बैठो आराम से, जो भी दिमाग में आ रहा है सब पेपर पे लिख दो, जितनी कन्फ्यूजन है सब चीज़ लिख दो, तो ही क्लैरिटी मिलेगी. मैंने कितनी सारी नोटबुक्स ख़त्म किए हैं ये सब लिख लिख के. एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनीबडीज हेल्प. आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, ना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ना कोई और यूट्यूबर कर सकता है, ना कोई लाइफ कोच कर सकता है, एंड ना ही हम लोग को परमिशन होनी चाहिए आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने की. आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस होने चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए. आप अपने गोल्स खुद सेट करो, उनमें फेल हो उनसे सीखो और फिर नए गोल सेट करो एंड दिस साइकिल शुड कीप ऑन गोइंग. मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि इंसान को ना अकल तभी आती है जब वो फेल होता है. और मैं भी ये जो ज्ञान दे पा रही हूँ ना आपको, वो इसीलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं. सो इट्स बेटर कि आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो एंड हैव अ ब्लूप्रिंट और अ प्लान ऑफ हाउ डू यू वांट योर फ्यूचर टू लुक लाइक एंड व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड टू अचीव दैट गोल. जब मैंने खुद के लिए गोल सेट कर लिया था ना दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, तो ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया ऑलरेडी मेरे बैक ऑफ द माइंड में थे. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज टू गेन नॉलेज इन दैट फील्ड. अब मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड था एंड आई हैड नो क्लू अबाउट द मीडिया वर्ल्ड. सो मैंने रिसर्च करना शुरू किया अबाउट व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट ऑल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब, वेयर कैन आई लर्न दोज स्किल्स, इज देयर एनी टूल जिससे मैं अपना वर्कलोड थोड़ा कम कर सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने थोड़ा खुद को टाइम दिया एंड आई रिसर्च एवरीथिंग ऑनलाइन. एंड व्हाइल आई वाज सर्चिंग फॉर सम AI टूल्स दैट कैन हेल्प मी रिड्यूस माई वर्कलोड, आई केम अक्रॉस सिंप्लीफाइड. It's a free AI tool wherein I can add auto-generated captions to my videos. Specifically, short-form content में मेरे लिए subtitle add करना किसी भी video में was a huge task, but with Simplified, it's so seamless.
इट्स परफेक्ट फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, मार्केटर्स, बेसिकली फॉर एनी वन एंड एवरी वन टू यूज. इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी बिकॉज इट्स फ्री फॉर एवरी वन. सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट इट. सो येस, मैंने सारी नॉलेज वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मी टू बिकम अ बेटर पर्सन. And then the final step to my transformation was to give myself time. 2018 से 2020 तक तो मुझे मेरे गोल्स फिगर आउट करने में टाइम लग गया था. फिर 2020 में मैंने डिसाइड किया कि चलो अब वीडियो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं. उसमें भी स्टार्ट में तो मुझे कोई प्रोग्रेस दिखी ही नहीं थी. एंड ट्रस्ट मी, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स लाइक आप एक प्लांट को रोज रोज पानी देते हो क्योंकि आपको पता है कि 10-15 साल बाद जाके वो एक ट्री बन जाएगा. अब रोज रोज आपको उसमें प्रोग्रेस तो दिखेगी नहीं. कभी उसके पत्ते मुरझा जाएंगे, कभी फूल मुरझा जाएगा, कभी आपको उसकी खाद बदलनी पड़ेगी, कभी उसको ज्यादा सनलाइट देनी पड़ेगी. बट फिर भी आप उसको रोज रोज पानी दोगे क्योंकि आपको पता है कि पानी देने के बाद ही वो एक ट्री बनेगा. एंड दिस इज आवर लाइफ. ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस आपकी बिलीफ और हार्डवर्क पर डिपेंड करता है. अगर आप बिलीव करते हो कि आप बेटर डिजर्व करते हो एंड अगर आप काम करोगे उस बेटर के लिए, देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ. आपको कई बार फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा, बट आपको सीखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में आप खुद को माफ़ कैसे करो, आप खुद को मोटिवेट कैसे करो. एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके. गिव योर सेल्फ टाइम टू हील. Be patient with yourself in this journey. Always remember that you never stop learning and you never stop growing. All you need is a little bit of time. And yeah, that's it for this video. I hope you guys liked it. If you did, then do hit the like button. इस पूरे वीडियो में मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को ब्रेक डाउन करके उसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दैट्स व्हाट आई शेयर विद यू. आई फील कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं मैंने काफ़ी ऊपर ऊपर से शेयर किए हैं बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी थी मुझे. बट इनके डिटेल वर्जन भी मैं आगे चल के अपने फ्यूचर वीडियोज़ में बनाने वाली हूँ. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा. वेन यू राइट योर लर्निंग्स यू ऑलवेज रिमेंबर इट. And also, I reply to every single comment, even if you comment after like 2-3 years. Also, don't forget to check out Simplified app. It's a free AI tool wherein you can add auto-generated captions to your videos and a lot more. So do check out the website. The link would be in the description and in the pinned comments. And yeah, I'll see you guys on next Sunday. Agar next Sunday video nahi aata, to Instagram pe DM karke mujhe pareshan karna. Okay. And yeah, that's it for this video. Stay tuned. See you soon. Bye.